हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं जस्ट हर्ब स्किन टिंट के बारे में बताने वाली हूँ। ये मुझे पूरी की पूरी जो सैम्पलर किट मिली थी, ये मुझे नायका से परचेजिंग पे फ्री मिली थी, बिकॉज मैंने जस्ट हर्ब के बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे। और इसमें ना पांच शेड आते हैं, पांचों शेड के नेम मैं आपको बताऊंगी। पहला आता है प्रो पोर्सलिन, एंड दूसरा आता है आइवरी, और तीसरा है नेचुरल, एंड चौथा है सैंड, और पांचवा है दोस्तों बेज। तो ये सारे मिले जुले शेड आते हैं, और ये पांचों शेड इंडियन स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट हैं। तो अब मैं आपको वो किट दिखाती हूँ जो मुझे फ्री मिली है और फ्री परचेजिंग पे मिलती रहती है। वो आप भी अगर परचेजिंग करेंगे एक सर्टेन अमाउंट तक की, तो शायद आपको भी मिले। और आपने जस्ट हर्ब के इंस्टाग्राम पेज पर भी देखा होगा उस फ्री स्किन टिंट किट के पिक्चर्स। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी चेक कर सकते हैं रारा प्रोडक्ट पर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उसका पैकेट। सो दोस्तों, दिस इज द पैकेट, और इसके अंदर मुझे मिले थे पांचों के पांचों सैंपल्स रखे हुए, और बहुत ही ब्यूटीफुल बॉक्सेस में रखकर आए थे। और मैं आपको बताऊं, सैंपल में इतना ज्यादा अमाउंट दिया गया था कि मैं उन्हें काफी यूज कर चुकी हूं, उसके बाद भी बहुत सारा प्रोडक्ट बचा है। और आई थिंक यू नो, मुझे इतना अच्छा हर्बल स्किन टिंट मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया है। और एक जो परचेज करेंगे आप अपने लिए, उसकी कीमत है 1175 रुपये, 1175 रुपीज़ है। लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, लेकिन सुपर डुपर ऑसम है, और सेकेंड स्किन लगता है। वो मैं आपको अभी जो इंडियन स्किन टोन होते हैं पांचों, वो टोन्स के बारे में पांचों शेड्स दिखाऊंगी। और मैं आपको बता दूँ, इस बैग के पीछे भी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। दिस इज क्रुएल्टी फ्री, एंड दिस हर्ब इनब्रिज्ड स्किन टिंट कॉम्प्लीमेंट योर स्किन शेड एंड ब्लेंड इन ईजिली विद द स्किन। इट मास्क इम्परफेक्शन सच एज फाइन लाइन्स, ब्लैमिशेज एंड पोर्स ऑन योर स्किन, एंड गिव्स अ फ्लॉलेस लुक। ऑल्सो टिंट मॉइस्चराइज योर स्किन एंड गिव्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवी प्रोटेक्शन। जी हाँ, तो आपको कोई एक्स्ट्रा SPF कैरी करने की जरूरत नहीं है अपने फेस पर। विद दिस इज अ मस्ट हैव प्रोडक्ट फॉर डेली यूज, एंड यू विल ऑलवेज वॉन्ट to have a bottle in your handbag. Definitely, this is amazing. And मेरा experience बहुत अच्छा गया है इसके साथ दोस्तों। The Herb Enriched Skin Tint is India's first crowdsourced beauty product. This unique product is tested, reviewed and created by our broad customer base. We reached out via social media to Indian women to various age groups. आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं। आप किसी भी शहर में रह रही हो, आपको इजीली ये ऑनलाइन आप इसे परचेज कर सकती हैं। And they called the shot on everything from the ingredient, texture, packaging, performance and the aroma by testing different batches. Once they reviewed, we formulated the herb enriched. जी हाँ, मैं कोई इसका ऐड नहीं कर रही हूँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको एकदम डिटेल में बता रही हूँ। मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कहा था कि मैं स्किन टिंट के बारे में डेफिनेटली डिटेल में बताऊं, और मेरा यू नो एज सच इतना अच्छा एक्सपीरियंस गया है इसके साथ कि मैं अभी आपको सारे शेड दिखाऊंगी। और मैं इसमें इंग्रेडिएंट बताऊं सारे ऑलमोस्ट लाइक जावित्री, इंडियन कुद्जू एंड उशीर, और मंजिष्ठा, वंश एंड मधुखा, और नागकेसर, और पद्मकाष्ठा, ब्राह्मी, लक्षा, गेरिका, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इंडियन लोटस, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं स्किन के लिए जो बेनिफिशियल होते हैं। एंड दिस इज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक नेचुरल ओरिजिन, एंड नो पैराबेन, नो मिनरल, 99.2% नेचुरल, 100% हर्बल एक्टिव्स। एंड आप इसे कूल प्लेस पर स्टोर करके रखें, डेफिनेटली आप अपने AC वाले रूम में रख सकते हैं, फ्रिज में तो ना रखें, एंड नॉर्मल टेम्परेचर पर आप रख सकती हैं।
और मैं आपको बता दूं, इवन नेचुरल इंग्रेडिएंट कैन कॉज एलर्जी टू सम. टू चेक अप्लाई, डेफिनेटली आप बिल्कुल कोई भी चीज़ लेने से पहले चेक करते होंगे, तो आप 15 मिनट पहले एलर्जी टेस्ट कर सकती हैं. और ये आपको एक स्मूथ कवरेज देता है ऑल ओवर फेस पर एंड नेक एरिया पर, इवनली स्प्रेड हो जाता है. तो दोस्तों इसकी शेल्फ लाइफ है 3 इयर्स. और ये जो स्किन टिंट की जो किट थी ना, इसका जो प्राइस है वो है 795, लेकिन ये मुझे फ्री मिला था. और क्योंकि मैंने आई थिंक 2000 रुपीज़ की परचेजिंग की थी जस्ट हर्ब से ऑनलाइन नायका पर, और ये ऑफर अक्सर लगा रहता है, तो आप भी पा सकते हैं. अगर आपको स्किन टिंट ट्राई करना है, तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं है कि आप जस्ट हर्ब के अदर प्रोडक्ट्स ट्राई कर लीजिए और आपको ये फ्री मिल जाएगा. तो चलिए अब मैं आपको शेड्स दिखाती हूँ. सबसे पहले मैं दिखाऊंगी बहुत ज्यादा फेयर स्किन टोन के लिए. तो अब मैं आपको पहला शेड दिखाती हूँ, पोर्सेलिन, एंड दिस इज फॉर वेरी वेरी फेयर स्किन टोन. और पांचों शेड मैं आपको एक साथ दिखाऊंगी. आप देख रहे हो कितना अच्छे से क्वांटिटी उन्होंने मुझे दी है जस्ट हर्ब ने, और इसमें बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट पड़े हैं. तो मैं आपको सब फिंगर से ही दिखाऊंगी अप्लाई करके. और अब मैं आपको दिखाती हूँ द शेड नंबर 1. जी हाँ, वन बाय वन मैं यहाँ पर शेड दिखाने वाली हूँ. दिस इज द शेड फॉर वेरी वेरी फेयर स्किन टोन. सो अगर आपका गेहुआ रंग है तो आपको ये शेड नहीं जाएगा. अगर खूब फेयर है, अगर आप सबसे फेयर आपका स्किन टोन है, तो डेफिनेटली इसके ये आपके लिए है. एंड शेड नंबर 0 है ये. जी हाँ, 0 से स्टार्ट हुआ है. और अगला है शेड नंबर 1 आइवरी, यू कैन सी. तो चलिए ये देखते हैं ये किसके लिए है. या शेड नंबर है आइवरी. और अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ. आप देख रहे हैं ये लिटिल बिट डार्कर है, जो कि ये फेयर स्किन टोन के लिए नहीं, ये गोरे रंग के लिए है, लेकिन येलो स्किन टोन के लिए है दिस इज. एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ शेड नंबर 2, जो कि है नेचुरल. एंड ये है फेयर टू मीडियम स्किन टोन. जी हाँ, दिस इज नेचुरल एंड दिस इज फेयर टू मीडियम स्किन टोन. एंड आई थिंक यस, दिस इज परफेक्ट फॉर एवरी इंडियन स्किन टोन. द शेड इज नेचुरल एंड माई शेड इज आइवरी. और अब मैं आपको दिखाती हूँ शेड नंबर 3, जो कि है बेज. एंड ये है मीडियम स्किन टोन के लिए दोस्तों. और पता है बहुत ही अच्छी क्वांटिटी दी गई है सैम्पलर किट में. बहुत कम अमाउंट लगता है और बहुत ही अच्छे से इवनली ये स्किन में स्प्रेड हो जाता है, यू कैन सी. और कवरेज भी मीडियम कवरेज देता है. सो दिस इज फॉर मीडियम स्किन टोन. शेड इज बेज. एंड शेड नंबर 4 है सैंड. और दिस इज फॉर डार्क स्किन टोन. एंड दिस इज परफेक्ट शेड फॉर एवरी डस्की ब्यूटी. सो आपका जो स्किन है वो इवनली स्मूद एंड परफेक्ट लगेगा. और आप देख सकते हो दिस इज द शेड फॉर डार्क स्किन टोन. दिस इज नॉट माई शेड. एंड दिस इज माई शेड, शेड नंबर 01 आइवरी. एंड आई जस्ट लव माई शेड बिकॉज ये येलो स्किन टोन में है. और इसके साथ जो आप कभी फोटो सेशन कराना है या आपको कोई पिक्चर्स क्लिक करानी है, तो येलो स्किन टोन पे पिक्चर्स हमेशा ब्यूटिफुल आती हैं. तो मैंने आपको दिखा दिए हैं ये पांचों के पांचों जस्ट हर्ब टिंट के, स्किन टिंट के सारे शेड दोस्तों. सॉरी,
तो अब मैं आपको बताऊं कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 इयर्स है, और सबसे बेस्ट पार्ट स्किन टिंट का ये है कि मैंने जब इसे अप्लाई किया तो मुझे लगा कि एक मैं बहुत ही अच्छा सा, एक बहुत ही बढ़िया मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मेरी स्किन को कहीं ना कहीं एक लिटिल बिट कवरेज के साथ बहुत ही हेल्दी बनाने का भी काम कर रहा है, बिकॉज इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे इन्ग्रीडियंट हैं जो कि आपकी स्किन को हेल्दी बनाते हैं। और ये एक स्किन केयर पार्ट है और एक इसमें मेकअप पार्ट है जो कि बेस्ट है, और ये जो शेड्स हैं वो इजीली स्किन में ब्लेंड हो जाते हैं एंड इम्परफेक्शंस को ब्लर करते हैं, और आपकी स्किन को एकदम ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन प्रोटेक्शन देते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है, तो इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इजीली आपको बहुत ही बढ़िया एक अच्छा मॉइस्चराइजर, सन स्क्रीन एंड स्किन टिंट मिल रहा है, जो कि ऑल इन वन प्रोडक्ट है। और ये लिटिल बिट थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, 1175 रुपये, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इसे जब भी आप ट्राई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा स्किन केयर प्रोडक्ट या एक्स्ट्रा कोई मेकअप कैरी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दिस इज़ अ मस्ट हैव प्रोडक्ट, और मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर हैंड पे अप्लाई किया हुआ है, थोड़ा सा शेड्स के कारण पिक्चर वीडियो में लिटिल बिट शेड चेंज हो रहा है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट मैं आपको बता दूं कि मैं अगर बोलूंगी कि आप इनमें से फिर भी कौन सा वाला लीजिए वीडियो में, तो आपको एज सच ये क्लियरली दिख ही रहा है, दिस इज फॉर वेरी फेयर स्किन टोन एंड दिस इज फॉर फेयर टू येलोइश स्किन टोन, यानी कि व्हीटिश स्किन टोन, एंड दिस इज फेयर टू मीडियम स्किन टोन, एंड दिस इज मीडियम फॉर, एंड दिस इज फॉर डस्की ब्यूटीज, डार्क स्किन टोन। तो पांचों शेड का वर्णन मैंने ठीक से कर दिया है अपने हिसाब से, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और रही बात इसकी फ्रेग्रेंस की, तो बहुत ही नेचुरल एंड सॉफ्ट सपल टेक्सचर के साथ इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एकदम जड़ी बूटियों वाली नहीं है जिससे कि आप इरिटेट ही हो जाए। और मैं ना इसको, क्योंकि मुझे तो ये पांचों शेड्स मिले हैं, तो मैं इन्हें कैसे ट्राई करती हूँ, जब मुझे एक डस्की लुक चाहिए होता है, क्योंकि मेकअप में आप कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हो, जब भी मुझे मुझे एज सच उतना फेयर लुक भी नहीं पसंद है, जब आप डस्की लुक क्रिएट करना चाहते हो तो मैं क्या करती हूँ कि एक शेड डार्कर एंड एक फेयर लेकर के मिक्स करके उसे अप्लाई करती हूँ, तो मेरे जो स्किन टोन, स्किन का जो टोन है वो चेंज हो जाता है एंड वो बहुत ही अच्छा सा इंडियन स्किन टोन आ जाता है, नेचुरल। तो मैं, क्योंकि मैं यूज़ करूंगी, बिकॉज मैं इतना अच्छा प्रोडक्ट इस तरीके से रख करके या वेस्ट नहीं कर सकती कि ये शेड मेरा नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं मिक्स करके इस्तेमाल करती हूं, और आप भी चाहे तो मिक्स कर सकते हैं। मैं वेरी फेयर में डस्की मिक्स कर लेती हूं, येलोइश में मीडियम मिक्स कर लेती हूं, एंड ये जो थर्ड वाला है नेचुरल, दिस इज परफेक्ट फॉर ऑल टाइम। सो पिंक स्किन टोन है तभी भी आपको शेड नंबर 1 आइवरी एंड शेड नंबर 2 नेचुरल बिल्कुल जाएगा पिंक स्किन टोन वालों के लिए, अदरवाइज आप ये तीनों शेड देख सकते हो। और जो बहुत फेयर है उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, उनके लिए तो शेड नंबर 0 जो है वो एकदम परफेक्ट है। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल रारा को। एंड अब मैं आपको इन पांचों ही शेड्स का वो दिखा देती हूँ, एक लिटिल बिट अमाउंट लेकर के यहाँ साइड में ब्लेंड करके दिखा देती हूँ। आप देख रहे हैं इजीली ये ब्लेंड हो गया, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है। तो आई होप कि आप जो मैं बताना चाह रही हूँ वो समझ गए होंगे, और आपको ये स्किन टिंट पसंद आया होगा। जस्ट हर्ब का स्किन टिंट जो लोग ट्राई करते हैं या जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें तो सारी चीज़ें मालूम है, तो अगर आप किस तरीके से अपना स्किन टिंट यूज़ करते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप इसे इवनली फिंगर्स से, हैंड से ही अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पर और नेक पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी अदर वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।